नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं को सरेआम अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है और लगातार इन अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि खबर मोतिहारी से निकलकर सामने आई है, जहां पर कुछ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देने के बारे में सोचा, जिससे पहले ही पुलिस ने एक टीम का गठन किया और उनकी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला मोतिहारी का है। मोतिहारी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर घटना के अंजाम देने के पूर्व ही पानी फेर दिया। दरअसल आपको बता दें कि SP कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसे बड़ी लूट की घटना के पहले ही 8 अपराधियों को एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 10 कारतूस, 7 मोबाइल और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। और इसी को लेकर वहां के SP कांतेश कुमार मिश्रा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें सुने। लूटपाट और रामसेट के मामले में कुल 10 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। बड़ी सफलता SDPO में हुई है। हरसिद्धि थाना के 8 लोगों को पकड़ा गया। अभिनव कुमार, विक्की कुमार, मोहम्मद शहाबुद्दीन, राज रोशन कुमार, नरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, लालबाबू कुमार और राजकुमार। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हरसिद्धि थाना अंतर्गत कोबिया पुल के पास से ये सभी अपराधी एकत्रित हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने चाह रहे हैं। सूचना के उपरांत SDPO अरेराज रंजन कुमार के टीम का गठन किया गया था। इसमें थाना प्रभारी हरसिद्धि SI विक्रांत सिंह, DIU से इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह और हरसिद्धि थाना के रवि रंजन कुमार SI, SI विनीत कुमार और SI विभा कुमारी विजय भारती, इन सभी लोगों ने मिलकर घेराबंदी किया और इन 8 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें से एक व्यक्ति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन पहले के मारपीट केस में जेल जा चुका है और इनके फ़ोन और बाकी चीज़ें पता चल रहा है कि ये लोग इस तरह के हथियार इकट्ठा करते हैं और लूटपाट घटना को अंजाम देते हैं। अभी इनके अन्य अपराधी के इतिहास को हम लोग खंगाल रहे हैं और फिर आप लोग अपडेट किया जाएगा। 2 अलग अलग मामलों में, अन्य मामलों में लूटकांड के फरार चल रहे हैं 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। सुगौली थाना अंतर्गत 2022 में एक लूट की घटना हुई थी 7 लाख की, जिसमें एक अभियुक्त फरार चल रहा था पूर्णदेव सिंह उर्फ प्रेम कुशवाहा, इसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध लूटपाट के 2 मामले दर्ज हैं। इसी प्रकार बंजरिया थाना अंतर्गत रक्सौल से जो बिस्कुट का ट्रक था, तो उस लूट का एक जो फरार चल रहा था संतोष कुमार जायसवाल, इसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध 5 अलग अलग मामले दर्ज। इसी प्रकार के जो इसका जो अपराध शैली है, ट्रकों को लूट कर घटना को अंजाम देना, तो कुल मिला के 10 लोगों को पकड़ा गया है आवश्यक और लूटपाट में और पूरी टीम को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपने वहाँ के SP कांतेश कुमार मिश्रा को सुना, जिन्होंने पूरी बात बताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हरसिद्धि के कोबाया में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। SP ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेराज, DSP रंजन कुमार, हरसिद्धि विक्रांत सिंह, पुआनी रवि रंजन कुमार सहित पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित SIT टीम ने सूचना सत्यापन के उपरांत ही वैज्ञानिक तकनीक से अपना जाल बिछाया और पुलिस ने घेराबंदी कर अभिनव कुमार उर्फ अभी, विक्की कुमार, मोहम्मद शहाबुद्दीन, राज रोशन कुमार, नरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, लाल बाबू कुमार और राजकुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस को 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल और 1 बाइक को जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरह से मोतिहारी पुलिस ने अपराधियों को घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और देखिए किस तरह से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है पुलिस ने। तो फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।